नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी छोटी सी टिप्स देने वाला हूं कि हाउ टू क्रिएट ऑटो लिस्ट ऑफ इनवॉइस सीरीज। मेरे पास किसी मेरे दोस्त का क्वेश्चन आया कि उसके पास एक बिगिनिंग नंबर है, एक एंडिंग नंबर है। बेस्ड ऑन दिस बिगिनिंग एंड एंडिंग नंबर ही वॉन्ट्स टू क्रिएट ए लिस्ट। वो लिस्ट मेरी 100 नंबर भी हो सकती है, मेरे हो सकता है उसमें केवल 10 ही नंबर हो। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा सोल्यूशन, बहुत इजी सोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फॉर्मूलाज मैंने इसमें ये बनाया है। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, लॉजिकल फॉर्मूलाज है। तो देखिए कैसे काम करेगा पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हम बना सकते हैं। देखिए, स्टार्ट नंबर ऑफ इनवॉइस सीरीज है, इसमें आप जो भी नंबर डालेंगे, जैसे आपने बोला कि मेरे को एक से लेके 5 तक की मेरे को सीरीज बनानी है, तो ये देखिए 5 तक की सीरीज बन जाएगी। अगर आपने बोला नहीं 5 तक की नहीं मेरे को, तो 10 तक की बनानी है, तो ये 10 तक की ऑटोमेटिक बन रही है जी। अगर आपने इसको 5 से 10 तक करना है तो 5 से 10 तक बन जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली कर रही है। इसमें मैंने एक चीज और भी डाली है कि अगर मेरा एंड नंबर बिगिनिंग नंबर से कम होगा, तो ये देखिए अगर मैंने इसको ये किया तो यहाँ पे आपको रेड कलर करके वार्निंग भी देगा कि आपका ये जो नंबर है एंड नंबर जो है वो छोटा नंबर है, और यहाँ पे देखिए केवल फर्स्ट नंबर आएगा, बाद में इसको ये ब्लैंक ही दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसको नंबर को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ फिर एक बोनस भी मैं देने वाला हूँ आपको। उस बोनस के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, पहले इसको सीखना होगा और फिर उस बोनस टिप्स को भी आप देख करके बड़े हैरान होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो हमारी सीरीज है मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको नए सिरे से इसमें समझ में आएगी। क्लियर करने के लिए मैं होम बटन पे गया और क्लियर में जा करके क्लियर ऑल कर दिया जी मैंने। क्लियर ऑल करने से मेरी ये पूरी की पूरी सीरीज जो है, ये देखिए आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये पूरी की पूरी सीरीज जो है ये मेरी क्लियर हो जाएगी। या मैं इनवॉइस नंबर को रहने देता हूँ और क्लियर करता हूँ केवल इसको नंबर को, और इसको भी मैं यहाँ पे एज इट इज, ये जो फॉर्मूले मेरे लगे हुए हैं इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ जी। ये देखिए क्लियर कंटेंट्स को मैंने क्लियर कर दिया जी। ये मेरे पास देखिए जी, ऐसे मैंने क्लियर कर दिया। अब लेट्स सी कि कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे जी। तो सबसे पहले मैंने इसमें नंबर देना है जी। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर ऑफ इनवॉइस सीरीज, कि मैंने इसको नंबर दिया कि लेट्स सी कि मेरा 11 नंबर से ये स्टार्ट होता है जी, और मेरा एंड नंबर है उसको मैंने दे दिया 20 नंबर। थोड़ा सा इसको हम सजा लेते हैं, इसको थोड़ा हमने बोल्ड कर लिया, थोड़ा इसको हमने ये कर दिया, ये देखिए मैंने इसको बीच में कर दिया, इसकी बोर्डिंग करनी है तो यहाँ पे जाकर के मैंने इसकी इसमें मैं गया और यहाँ पे जाकर के मैंने इसको बॉर्डर भी दे दिया। अब इसको कुछ कलर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जाकर के एक मैं ग्रीन कलर दे सकता हूँ जी, ताकि मेरा ये नजर आए कि ये ग्रीन कलर भी मैंने इसको दे दिया जी। ठीक है दोस्तों, अब जो मेरा पहला नंबर है वो मेरे को हमेशा पता है कि जो भी नंबर मेरा बिगनिंग होगा वो यहाँ पे मेरा बिगनिंग नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिगनिंग नंबर का रेफरेंस दे दिया इक्वल टू, और यहाँ पे इसका रेफरेंस दे दिया, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है जी, इसमें तो कहीं पे कोई इशू नहीं है, राइट फ्रेंड्स। अब मेरे को करना है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये जो ये नंबर है उससे एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाए जी। लेकिन कहाँ पे रुके, जहां पे मेरा ये एंड नंबर है उसके साथ ही रुक जाए। तो लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं 15 तक ही देता हूं इसको, 11 to 15। अब मैंने यहां पे एक फॉर्मूला दिया, लॉजिकल फॉर्मूला दिया फ्रेंड्स। कैसे किया मैंने, इक्वल टू इफ का फॉर्मूला जी। इफ का फॉर्मूला में मैंने क्या बोला कि ये जो नंबर है मेरा, अगर ये जो ऊपर वाला जो नंबर है मेरा, अगर ये इस वाले नंबर से अगर मेरा ये पहुंच जाता है, इक्वल टू बन जाता है इस वाले नंबर से, C6 इक्वल टू दिस नंबर, लेकिन इस C2 को मेरे को डॉलर लगाना होगा, ये मेरे को फिक्स करना होगा। ये नंबर अगर इसके साथ फिक्स हो जाता है, मिल जाता है, तब मैं दोस्तों क्या चाहता हूं कि ये जो नंबर है यहां पे जो होगा ये मेरा ब्लैंक आए, ब्लैंक के लिए मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास डाल दूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने अदरवाइज मेरे को क्या करना है, ये वाला जो नंबर है मेरा 11 है, ये जो ऊपर वाला जो नंबर है उसके साथ मैं 1 को ऐड कर दूंगा जी। तो ये देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया और ये मेरा 12 आ गया। ये सिंपल एक मैंने फॉर्मूला लगाया और इसको मैंने जा करके नीचे तक ड्रैग कर दिया।
अब ये देखिए, मैंने इसको ड्रैग किया तो यहाँ पे देखिए 13 भी आ गया, 14 भी आ गया, 15 भी आ गया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या चेक करेगा कि मेरा जो C10 है whether that is equal to C2। अब वो इक्वल टू मिला है उसको, कि इसका मतलब ये नंबर मेरी सीरीज जो है कंप्लीट हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे वो ब्लैंक देगा। और अगर ये नहीं होता तो वो प्लस वन कर देता, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया जी। लेकिन अब जब मैं इसको आगे की ओर खींच रहा हूँ दोस्तों, तो ये देखना जी यहाँ पे मेरी वैल्यू की एरर आ गई। अब मैं नहीं चाहता कि वैल्यू की एरर यहाँ पे आए, क्योंकि ये वैल्यू की एरर क्यों आ रही है यहाँ पे मेरे को, ये देखिए इसको रेफर कर रहा है जिसके कारण ये एरर आ रही है। तो मैं इस एरर को हटाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इफ एरर, कि अगर कहीं पे मेरी एरर आए वहां पे भी मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ब्लैंक आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक दिया और इसके बाद इसको एंटर कर दिया। इसके बाद अगर मैं इसको ये क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अपने आप से अब इस सीरीज को मैं जितना मैं चाहता हूँ, जहां तक मैं चाहता हूँ, इसको मैं खींच के लेके जा सकता हूँ दोस्तों, कि मेरे को चाहिए कि ये वाला जो है 200 तक खींचना है तो 200 तक, 20,000 तक खींचना है तो मैं इसको 20,000 तक भी खींच सकता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला वहां तक मेरा खींच गया दोस्तों, राइट। अब इसके बाद अब अगर मेरा ये सीरीज तैयार हो गई, अब अगर मैंने इसके जाकर के यहाँ पे 1 डाला तो देखिए 1 to 15 हो गया, 1 की जगह यहाँ पे मैंने 7 डाला, 7 आ गया। अगर मैं 100,000 किया यहाँ पे और 1,000 के बाद, अच्छा अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने 1,000 किया लेकिन यहाँ पे 7 नंबर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर अगर इससे कम है, तो यहाँ पर जो नंबर कम होने के कारण यहाँ पे ये रेड कलर का मेरे को इंडिकेटर दे दे और यहाँ पर भी ये सीरीज को आगे नहीं बढ़ाए, तो इसके अंदर मैं एक कंडीशन और डाल सकता हूँ दोस्तों। वो कंडीशन मैं इसमें क्या डाल सकता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे सबसे पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, कि यहाँ पे अगर ये नंबर मेरा इससे छोटा नंबर है, छोटा नंबर है मेरा, तो यहाँ पे रेड कलर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, हाईलाइट सेल रूल्स, इफ दिस इज, दिस नंबर इज लेस देन किससे, ये वाले नंबर से, अगर मेरा लेस है तो ये रेड कलर हो जाएगी, हो गया जी। इसी तरह से मैं इसमें उल्टा में दे सकता हूं, यहां पे मैंने बोला कि हाईलाइट सेल रूल्स, अगर ये नंबर मेरा ग्रेटर देन इसके साथ है मेरा, तो यहां पे ये भी रेड कलर हो जाए। तो यहां पे अब क्या होगा, ये रेड कलर हो जाएंगे दोनों, जब भी ये एंड नंबर अगर छोटा होगा। लेकिन अगर मेरा ये एंड नंबर देखिए, जैसे मैंने इसको ये दिया, ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे, तो एक और मेरी ये हो गई। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर मेरा ये नंबर छोटा हो, 99 आ गया, तो यहाँ पे ये सीरीज तो चलती जा रही है, चलती जा रही है, मैं इसको रोकना चाह रहा हूँ कि ये नंबर जैसे छोटा आए तो यहाँ पे भी नहीं हो। तो मैं दोस्तों क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन और दे सकता हूँ, और वो कंडीशन मैं क्या दे सकता हूँ, कि अगर ये मेरा नंबर छोटा है तो यहाँ पे मैंने एक और मैं फॉर्मूला दे सकता हूँ दोस्तों, कि अगर मेरा ये जो है इफ, मैंने एक फॉर्मूला लगाया, इफ दिस नंबर जो है C2, इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया, लेस देन C1, इसको भी मैंने ये डाल दिया, अगर ये है तब तो मेरा ये ब्लैंक आ जाएगी, और अदरवाइज क्या आएगा जी, ये जो मेरा पहले से जो फॉर्मूला लगा हुआ है, जो भी मैंने सीरीज बना रखी थी, जो भी मेरा पहले ये बना हुआ था प्रोग्राम, उसको ये ले ले, और इसको मैंने फिर से एंटर कर दिया। ये देखिए जैसे मैंने इसको एंटर किया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया, ये नीचे तक मेरा ड्रैग हो गया, अब मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा जी। अब की बार मैंने इसको 1005 किया तो देखिए ग्रीन कलर भी आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये मेरी सीरीज भी बन गई। अब इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कई बार आपको टेलीफोन नंबर की सीरीज बनानी है जी, ठीक है जी, कई बार आपको एम्प्लॉय कोड की अपनी लिस्ट बनानी है जी, राइट जी, कई बार आपको कोई, आप होमवर्क कर रहे हो, कोई आपको अटेंडेंस की लिस्ट बनानी है, वहां पे आप चाह रहे हो कि ये नंबर देना है, तो उसके अंदर ये आप आराम से बहुत इजीली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपने ये देखिए फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, केवल इफ का फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज किया हुआ है इक्वल टू, और उसके बेस पे बिल्कुल परफेक्ट ढंग से दोस्तों ये काम कर रहे हैं। अब इसमें बोनस जो मैंने अभी प्रोमिस किया था आपको स्टार्टिंग में, इसके अंदर बोनस में क्या देने वाला हूं, तो बोनस देखिए जी, इस फाइल को, ये फाइल आपको मिलेगी मेरी वीडियो के नीचे मिलेगी। अब इसके अंदर मैं बोनस क्या दे रहा हूं कि मैं इसको अनहाइड कर रहा हूं दोस्तों। जैसे मैंने अनहाइड किया तो मैं यहां पे आपको एक प्रीफिक्स भी दे रहा हूं दोस्तों, और ये प्रीफिक्स, जो भी आप प्रीफिक्स यहां पे देंगे, अब अगर इसके अंदर आप गए और आपने यहां पे प्रीफिक्स दे दिया कि मेरे को प्रीफिक्स देना है जी यहां पे विजय, तो यहां पे देखिए विजय के बेस पे चलेगी ये लिस्ट। अगर आपने यहां पे दे दिया मे, तो यहां पे देखिए मे के बेस पे चलेगी। तो ये जो मेरी लिस्ट है प्रीफिक्स के बेस पे, अगर अंडरस्कोर भी दे दिया, ये अंडरस्कोर के बेस पे चलेगी।
और इसकी ब्यूटी क्या है, ये जो डिपेंडेंट है मेरी लिस्ट वो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इनवॉइस नंबर से मैंने इसको कॉन्कैटिनेट नहीं कर रखा। अगर मैं इस लिस्ट को, यहाँ वाली लिस्ट को अगर मैं डिलीट भी कर देता हूँ दोस्तों, ये वाली जो लिस्ट है इसको अगर मैं डिलीट भी कर देता हूँ, तब भी ये लिस्ट जो है इसके जो फॉर्मूले वो डायरेक्ट इसके बेस पे चल रहे हैं। अब इसको आपने समझना है, ये जो फॉर्मूला लगा रखा है इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट का यूज किया है जी, सब्स्टिट्यूट। अगर आपको इन फॉर्मूलों को सीखना है कि सब्स्टिट्यूट कैसे लगता है और कैसे लगता है, टेक्स्ट फॉर्मूला में हम मास्टरी कैसे कर सकते हैं, तो एक मेरा मास्टर कोर्स है जी, मेरी वेबसाइट है चैंप एक्सेल, वहां पे हमने टेक्स्ट फॉर्मूला कैसे हम मास्टर बन सकते हैं उसी के ऊपर एक छोटी सी, एक हमने 2 घंटे की वीडियो बनाई है ओनली एंड ओनली ऑन टेक्स्ट फॉर्मूलाज, तो आप उसको देख सकते हैं। बड़े नॉमिनल रेट है जी, जस्ट अराउंड 400 रुपीज वी आर चार्जिंग, और उसको आप जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको जाकर के और मास्टर बन सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मूलाज में। आई होप इसको आपको पसंद आया होगा। अब ये देखिए मैंने सी किया और इसके बाद जैसे मैंने एंटर किया ये हो गया, इसके अंदर भी ये चल रही है, मैंने जैसे ही नंबर चेंज किया ये आपकी चल रही है जी। ठीक है दोस्तों, तो आपने ज्यादा से ज्यादा इसको समझना है, यूज करना है, और आई होप इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, और इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी। मैं कौन सी नई वीडियो बनाऊं, क्या आप चाहते हैं उसके बारे में आपके सजेशन ऑलवेज वेलकम है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशन दीजिए, और उसके बारे में हम कोशिश करेंगे नई वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर गए। धन्यवाद, जय हिंद।